रही है और मुख्यमंत्री जी चुप भी अपना नहीं तोड़ पा रहे, ना उनका नाम ले पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जगा पा रहे हैं और सदन में आ करके झूठा बयानबाजी कर रहे हैं, सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और विपक्ष के लोगों के नाते, विपक्ष के हम विरोधी दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, हमारा तो यही जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि जन समस्याओं को उठाएं और जो मुद्दे जो हैं उसको सरकार को स्पीकर साहब के सदन के माध्यम से सूचित करें। तो हमने कौन सा गलत काम कर दिया, अपराध कर दिया? आप हमको सलाह देते हैं कि आप लंबी राजनीति कीजिएगा, करियर बनाना है तो करियर तो हम तो सेवा करने आए हैं, करियर बनाने नहीं आए हैं, लेकिन हमें आपके प्रवचन की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, अभी तो मुक्की खाएं आप भाजपा बाय इलेक्शन में। और दूसरी बात, आपसे हम क्या सीखेंगे कि किस तरीके से दंगा को भड़काया जाता है, दंगाई को संरक्षण किया जाता है, किस तरीके से चार साल में चार सरकार बनाया जाता है, जनादेश का अपमान किया जाता है, किस तरह से कुर्सी से प्यार रखना चाहिए और कोई भी अगर आपका सहयोगी दल का लोग गलत काम कर रहा है, आपके पार्टी का गलत काम कर रहा है तो हम चुप्पी साध करके बस सुनते रहें, डरपोक बन करके रहें? ये हम नीतीश कुमार से सीखना चाहेंगे क्या? हमको ऐसा सीख आदरणीय चाचा जी से नहीं चाहिए, लेकिन खुशी है कम से कम बाबू तो बोले, बाबू बोलते रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहेंगे कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमको सिखाए भी, अपने पास बुलाए भी, समझाए भी, लेकिन सही दिशा में होना चाहिए। अगर हमको ये सिखाएंगे या समझाएंगे कि दंगा कैसे भड़काया जाता है, दंगाइयों को कैसे संरक्षण दिया जाता है और कैसे चोर दरवाजे में से सरकार बनाई जाती है, चार साल में चार सरकारें बनाई जाती है, किस तरीके से जनादेश का करने दीजिए, हमको करियर नहीं बनाना है। इसलिए ये सारी बातों को लेकर के आज हम सदन में रखना चाहते थे, इतना गंभीर मसला है, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी हम लोगों ने लाने का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वश सरकार के लोग नहीं चाहते थे कि हम अपनी बात को सदन के सामने रख पाए। कानपुर की जो घटना हुई थी, शराब पी करके जिस बीजेपी के लोगों ने 22 बच्चों को कुचलने का काम किया था, अगर हम लोग विपक्ष के लोग आवाज नहीं उठाते तो शायद वो गिरफ्तार नहीं होता। पहले तो भाजपा के लोग मना ही कर दिए थे कि हमारे बीजेपी में है ही नहीं, पार्टी में है ही नहीं, लेकिन फिर बाद में मान गए। और जब शराब का जब शराब का नशा निकल गया तब जाकर के सरेंडर करा दिया गया। अब क्या हो रहा है, जब इनको राहत मिल जाएगा कोर्ट से तब जाकर के पुलिस पहुंचेगी। यानी ये जो खेल है, हम लोग भली भांति समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से, बताइए। हम तो ये भी कहना, कल हमको चार सिपाही दे दीजिए, हम ढूंढ करके ले आएंगे।